तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मिथाइल के साथ Cl2 की रिएक्शन करना, मतलब क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन को हम समझते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हमेशा होता है किसके द्वारा? लाइट की प्रेजेंस में। लाइट में एचनिंग होता है, जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है तो जो आपका Cl2 होता है उस Cl2 को एक Cl को तोड़ देता है Cl+ आयन में, मतलब Cl फ्री रेडिकल में दूसरे Cl को। यहाँ पर केवल और केवल होमोलाइटिक फिशन होता है, तो होमोलाइटिक फिशन से बनता है Cl2। तो मान लीजिए आपके पास Cl2 है, और Cl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। अब Cl जो होता है उस पर लोन पेयर होते हैं, तो किसी एक में लोन पेयर दिखा दीजिए, कितने हैं आपके लोन पेयर? सिक्स, थ्री लोन पेयर हैं अभी, कितने हैं? थ्री लोन पेयर। और जब हम इस पर क्या डालेंगे? HNU डालेंगे, तो एरो पर हम HNU डाल दें, HNU डाल दिया एरो पे, बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। तो ये आपके दो फ्री रेडिकल बन गए। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, इसे बोलेंगे जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या है? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल का रेडिकल, फ्री रेडिकल का जनरेशन हो गया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगी वो होगी प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या होगा? प्रोपगेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ फ्री रेडिकल मतलब मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म होगी तो देखो क्या होगा? हमारे पास मीथेन है, ये आपका मीथेन है। इस मीथेन में एक कार्बन के साथ फोर हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो जब इसके पास यही Cl फ्री रेडिकल आएगा तो ये फ्री रेडिकल और कोई भी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना टूट जाएगा। वो जब आप टूटेगा तो बनेगा आपका HCl और बनेगा आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या ये बना? मिथाइल, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये बन गया आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। यही मिथाइल फ्री रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल, नेक्स्ट स्टेप में Cl सिंगल बॉन्ड Cl HNU की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ये फर्स्ट कंपाउंड बन गया और इसे बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि इसके साथ केवल एक Cl लगा हुआ है, तो ये बना आपका Cl फ्री रेडिकल। इसे बोलेंगे मोनो, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब यही दोबारा से फिर ले लो। अब हम बॉन्ड दिखाएंगे, बॉन्ड इसलिए दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा, कार्बन की चार वैलेंसी होना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके साथ आपका Cl फ्री रेडिकल है, ये Cl फ्री रेडिकल किसी एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो बनेगा आपका H बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड H फ्री रेडिकल, ये बन गया। बात समझ में आ गई? दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन वहां से गायब है। दोबारा से यही कंपाउंड यहां पर दिखा देते हैं हम, Cl सिंगल बॉन्ड H फ्री रेडिकल प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl और HNU, ठीक है। अब बन जाएगा आपका Cl2 और H और H, तो दो Cl लग गए और बनेगा Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन। क्या हो गया? डाइक्लोरोमीथेन। अब इसी डाइक्लोरोमीथेन को फिर ले लेते हैं, एक Cl यहां, एक हाइड्रोजन Cl हाइड्रोजन प्लस आपका आएगा Cl फ्री रेडिकल, यही Cl फ्री रेडिकल इसे तोड़ देगा, तोड़ देगा तो आपका बनेगा CCl, Cl और H फ्री रेडिकल प्लस HCl, HCl बन गया। अब दोबारा से फिर हम लेते हैं CCl सिंगल बॉन्ड Cl H फ्री रेडिकल प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl और H2, ठीक है। अब इससे बन जाएगा आपका CHCl3। क्या बना इसे?
CHCl3, इससे क्या बना CHCl3 और प्लस बनेगा Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अब तक आपने देखा कि यहाँ पर दो क्लोरीन का बना, तो इसे बोलेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? डाई हैलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसे? डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, और ये होगा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ये बन गया। इसे बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन, ये है ट्राइक्लोरोमीथेन मीथेन। ठीक है, अब एक स्टेप और करना है बस, फिर हम इसे लेंगे सी सिंगल बॉन्ड एच सी एल सी एल प्लस सी एल फ्री रेडिकल और कन्वर्ट हो जाएगा सी सी एल सी एल फ्री रेडिकल में ट्राइक्लोरो मिथाइल फ्री रेडिकल और आपका बन जाएगा एच सी एल। ठीक है, जब इसी को लास्ट रिएक्शन है इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ, इसी को हम सी फ्री रेडिकल सी एल सी एल सी एल सी एल के साथ रिएक्शन करेंगे एच न्यू के प्रेजेंस में तो बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और बनेगा सी एल फ्री रेडिकल। तो ये मैकेनिज्म थी, बाद में होगा रिएक्शन का टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो अब होगा टर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन। आपस में जोड़ेंगे तो CH3Cl बन जाएगा। अब रिएक्शन कंप्लीट हो पाई है। ठीक है, सेम तरीका अपनाएंगे आपका इसके लिए, जब हम इथेन का क्लोरीनेशन करेंगे। तो नेक्स्ट है क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। अब क्लोरीनेशन ऑफ इथेन करेंगे तो C2H6 होता है, Cl2 क्रिएशन करोगे एच न्यू की प्रेजेंस में तो C2H5Cl बनेगा प्लस Cl2 नहीं HCl बनेगा। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा C2H5Cl प्लस Cl2H3 C2H4Cl2 बन जाएगा। ठीक है, और बनेगा आपका HCl, फिर C2H4Cl2 हमने कल दूसरे तरीके से बताया थे, वो कार्बन को अलग कर लिया था। ऐसे भी करो, दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, नाम वो ही रहेगा, नाम नहीं चेंज होगा। तो Cl2 HNu की रिएक्शन होगी तो बनेगा C2H3Cl3HCl। थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप C2H3Cl3 प्लस Cl2HNu की रिएक्शन होगी तो बनेगा C2H2Cl4 प्लस HCl4 रिएक्शन होगी। फोर्थ स्टेप हो गया, अब फिफ्थ स्टेप करेंगे Cl4 प्लस Cl2HNu गिव्स C2H5Cl प्लस HCl। लास्ट स्टेप होगा इसका, लास्ट स्टेप इससे लिखते हैं C2HCl5 प्लस Cl2HNu बनेगा C2Cl6। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसे सही कर लेते हैं, H और Cl5 हो गया क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। अगर ऐसी पॉसिबल है तो हम खुद ही कर लिया करेंगे, हम यहाँ पे वही वाला मेथड अपनाओ जो अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर कोई मेथड तुम कर सकते हो तो कर लो, क्या होता है। अरे स्टैंड था वो टूटा टाटी हो गई, अब तो हम चेयर पर रखे, तुम्हारी वजह से नहीं करें ना, हम चेयर पर रखे।
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड तो होता है लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती, तो सब्स्टिट्यूशन ही होगा, मतलब वो सिंगल बॉन्ड की तरह काम करता है, रेजोनेंस में रहता है। तो मान लीजिए पहली वाली जो रिएक्शन है वो है हैलोजनेशन। पहली वाली रिएक्शन क्या है? हैलोजनेशन। ठीक है, हैलोजनेशन में क्या होता है, कोई भी हैलोजन स्पेशली Br2 और Cl2 रिएक्ट विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एनहाइड्रस AlCl3 और FeBr3। ठीक है, और उससे बनते हैं हैलोजन के डेरिवेटिव्स। और क्या बनता है उससे? हैलोजन के डेरिवेटिव। तो मान लीजिए, तो ये रिएक्शन होती है 3 स्टेप में। नंबर 1 होता है प्रोडक्शन, PRODUCTIO, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में होता क्या है, पहले Cl सिंगल बॉन्ड Cl है ना, मान लीजिए FeCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा FeCl4 + Cl+, मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। बन गया क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल, इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी स्टेप में अटैक इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा कि मान लीजिए आपकी बेंजीन है, तो मैंने आपको बताया जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है किसमें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में। तो हम इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखा रहे हैं, एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये बॉन्ड है। अब इस पर अटैक कराते हैं Cl प्लस का। तो जब हम इसका Cl प्लस का पॉजिटिव चार्ज और Cl और आपका हाइड्रोजन शेप होता रहेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा बस। तो अब ये जब आपका है किसी एक के साथ अटैकिंग होगी, जब अटैकिंग होगी तो आएगा FeCl4-। ये बेस की तरह काम करेगा, ऐसे बेस की तरह। तो अब होगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। पहले जनरेशन, फिर ये सी पॉइंट हो गया, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन चला जाएगा HCl के साथ, FeCl3 वहां पे जनरेट हो जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये है बेटा आपका क्लोरोबेंजीन, ये था क्लोरोबेंजीन। अब समझ लीजिए ये प्रोसेस है, इससे आप देखो Cl का रिएक्शन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को ही क्लोरीनेशन, क्या बोलेंगे इसे, क्लोरीनेशन बोलेंगे। स्पेशली वैसे यहाँ है तो हैलोजनेशन, पर अगर हम Cl का रिएक्शन करा रहे हैं फिर क्लोरीनेशन। यहाँ पर अगर हम Br का रिएक्शन कराते, नोट कर लो, तो Br का अगर हम रिएक्शन कराते तो हम कहाँ कहाँ हम क्या करते, केवल Br लगा देते। अब कहाँ कहाँ हमें फेरबदल करना है, अगर Br का रिएक्शन कराना है तो मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा और सारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल
वो हो जाएगा ब्रोमिनेशन। अभी करा देते हैं सीएल की, जितनी जहां जहां बेटा सीएल है वहां पर बीआर बनाओ अपने आप, जहां जहां सीएल है वहां पर दोबारा से वहां क्या बना दो बीआर, और वो हो जाएगा ब्रोमिनेशन। ठीक है अभी तुरंत करता हूं, अब हो गया ब्रोमिनेशन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Br2 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा Br2। ठीक है और FeBr2 लेना पड़ेगा, नहीं Br3 लेना पड़ेगा, क्या बनेगा FeBr4 माइनस प्लस Br+। ठीक है अब ये बनेगा, जहाँ पर अटैक करेगा Br+, यहाँ पर हमें Br दिखाना है, ये आपका Br दिखा दिया हमने, फिर FeBr4 माइनस लेंगे, यहाँ पर है Br। ठीक है अटैक होगा तो HBr बनेगा और FeBr3 बनेगा और ब्रोमोबेंजीन बनेगी। जब आप ऐसे करोगे तब बहुत जल्दी स्मार्टली आप लिख पाओगे या समझ पाओगे। आप क्या करना है केवल सीएल की जगह पे क्या करना है बीआर करना, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में बेंजीन की रिंग पे NO2 लगता है, क्या लगता है NO2। तो ये जो नाइट्रेशन होता है एक स्टेप में रिएक्शन अगर हम देखें तो ये ऐसे होती है, कंसंट्रेट HNO3 लिया और कंसंट्रेट H2SO4 लिया और बेंजीन पर लगा दिया NO2, क्या लगा दिया बेंजीन पर, तो ये आपका H2SO4 तो बाहर ही ऐसे निकल जाता है, वाटर और निकल जाता है, बस ये बन गया। अब ये होगा कैसे, तो पहले होगा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उसके लिए आपका कंसंट्रेट CNC HNO3। अब HNO3 कैसे रहता है वो देखो, O और H नेगेटिव NO2 पॉजिटिव इस फॉर्म में रहता है, समझ लेना बात को, और जो आपका H2SO4 है वो इस फॉर्म में रहता है H+ HSO4 माइनस गिव्स H2O+ NO2। ठीक है पॉजिटिव प्लस HNO3 HSO4 माइनस ये, अभी टाइम लगेगा आपको समझने। फिर अब इसके बाद होगा अटैक, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फाइल अटैकिंग करा लो तो H सिंगल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखाओ प्लस NO2 पॉजिटिव, ये अटैक करेगा तो ये कंडीशन बनेगी NO2 H पॉजिटिव चार्ज, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड दिखाओ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएंगे NO2 एज इट इज। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है बॉन्ड इधर उधर खिसकते हैं, एटम जहाँ पर है वहीं रहता है, एटम बिल्कुल चेंज नहीं होता, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा NO2 और हाइड्रोजन, इसमें से किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर हम अटैक करेंगे तो थर्ड स्टेप होगा C पॉइंट बनेगा, सी लिखो ये सी ये बी ये ए, सी में लिखोगे तो दूसरे पेन से कर देते हैं, तो H सिंगल बॉन्ड NO2
पॉजिटिव चार्ज ये इस पर अटैक करेगा HSO4-, ये HSO4- इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव NO2 और ये बॉन्ड रहेगा और बनेगा आपका H2SO4, ठीक है, और इसी को ही कहते हैं नाइट्रोबेंजीन NO2। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाता है बॉन्ड। ये ठीक है, चलिए अब हेडिंग लिखो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। क्या लिखना है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में क्या है, हमें पहले सल्फ बनाना है जनरेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये आपका 2H2SO4 है, ठीक है, ये बनेगा HSO4- में प्लस SO2। अब क्या बच रहा है, अभी देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, एक, यहाँ पर हैं चार, तो बनेगा H3O+, क्या बनेगा H3O+, H3O+, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये SO2 अटैक करेगा, तो मान लीजिए बेंजीन की रिंग है, ये बॉन्ड है, यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज वहीं पर H+ साइन दिखाया जाएगा, प्लस अटैक करेगा SO2, तो बन जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ SO2, ठीक है। अब वो वहाँ से पहले से थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंट लग रहा होगा, पर है वही, उससे तीसरे नंबर पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा दो SO2, ठीक, पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया हमने। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे और यहाँ बॉन्ड दिखाएंगे SO2। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी करना सीखना चाहिए, जिससे एक जैसा माइंड सेटअप ना बन जाए। अब लिखेंगे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब होगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये जो आपका एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा उसका क्या होगा, एच सिंगल बॉन्ड SO2, ठीक है, और नेगेटिव, हाँ यहाँ पर मुझे नेगेटिव चार्ज दिखाना चाहिए था, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अब दिखा दूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये बेंजीन रिंग है, और एब्स्ट्रैक्शन होगा इसकी वजह से HSO4- की वजह से, क्योंकि ये बेस है, याद रखना बेस हमेशा H+ साइन निकालता है, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये SO2 नेगेटिव है, SO2 नहीं होगा, यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है, ये सही कर लो, SO3 है, तुमने ध्यान नहीं दिया था हाइड्रोजन की संख्या, वो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी थी, ऑक्सीजन की संख्या देखो, तो ऑक्सीजन की संख्या मेंटेन नहीं हो पाई, बाद में मालूम पड़ जाता ना कहीं गलती होगी मेरी, तो मुझे खुद ही मालूम पड़ जाएगा।
ठीक, इतनी बात समझ में। तो इससे बनेगा पॉजिटिव चार्ज और बन गया आपका H2SO4। ठीक, अब क्या होगा, ये यहाँ पर बॉन्ड आ चुका है, ये है SO3 नेगेटिव, ये पूरा बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बन गया, इसे ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, SO3 नेगेटिव लास्ट स्टेप और है, इस पर डालेंगे क्या, OH पॉजिटिव और लोन पेयर, ठीक है। तो इसका एक हाइड्रोजन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो बन जाएगा ये SO3H, क्या बना, SO3H और वाटर बाहर, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये थी आपकी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तब तक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं समझ में आएंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर जो आपके सामने रिएक्शन कराई देते, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई थी, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन कौन से टाइप की होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो वो रिएक्शन हम करेंगे, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सीधी रिएक्शन है आपका, पहले होगा जनरेशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, तो कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास SCl3Cl है, AlCl3 है, बनेगा AlCl4- और CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकैटायन। ये जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल बन रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल बन रहे हैं, ठीक है। अब अटैकिंग करेंगे, तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये अटैकिंग होगी, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस CH3 फ्री रेडिकल। तो अटैकिंग जब होगी हाइड्रोजन और CH3, और ये पॉजिटिव, ठीक, ये बन गया। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा अपने आप बनाना सीखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने आप बनाना सीखो। ठीक है, अब CH3 सिंगल बॉन्ड एच, पॉजिटिव चार्ज वही लेके आओ, तो ये आपका अटैकिंग हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो AlCl4- लिख गया, तो बन जाएगा आपका ये CH3, ये होगा टॉलइन, और AlCl3 बाहर HCl, ये बन गया।
कि आपकी रिएक्शन हो। इसे बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये कैसी रिएक्शन है? एल्काइलेशन, ठीक है। अब अगर तुम्हें असाइलेशन करना है, क्या करना है? असाइलेशन, तो उसमें असाइल, आइए बताते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट, अब लिखो फ्रिडल क्राफ्ट एल असाइलेशन, असाइलेशन होगा असाइलेशन, असाइलेशन मतलब क्या अटैक कराएंगे? असाइलेशन याद है तुम्हें? कुछ याद है या यस? यहीं पे चेंज कर देते हैं, CH3COCl क्या होता है? असाइल क्लोराइड, कहते हैं असाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर असाइल कार्बोकेटाइन बनेगा CH3CO कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इस पर यही अटैक करेगा CH3CO, क्या करेगा CH3C, तो सबसे पहले प्रोडक्ट में बना CO CH3 ऐसी तो फिर CO CH3 यहाँ पर COCH3 और एक में हाइड्रोजन लगाना है COCH3। अगर कोई बिल्कुल सीख रहा है तब भी सीख जाएगा, बहुत आसान है, बस आपको कंपाउंड मालूम चाहिए ना, कंपाउंड लगाना क्या है ये। तो ये हो गया आपका असाइलेशन रिएक्शन। लास्ट में कितना टाइम लगा?